कीडा के छात्रों ने एक नैनी रोबोट टैंक का निर्माण किया और उनका दावा है कि ये युद्ध के दौरान न केवल दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा बल्कि उनके टैंकों और बंकरों को तबाह कर देगा। तो इस सफलता पर मॉडल तैयार करने वाले छात्रों के साथ आईटीएम प्रबंधन के लोग भी बेहद खुश हैं। आईटीएम गीडा गोरखपुर के बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 6 छात्रों ने मिलकर सेना के जवानों की सुरक्षा के लिए एक नैनो रोबोट टैंक तैयार किया है। आकार में छोटा दिखने वाला ये रोबोट टैंक दुश्मन के बंकर और टैंक को नष्ट करने की क्षमता रखता है। बॉर्डर पर देश के जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईटीएम के छात्रों ने मिलकर ये नैनो रोबोट टैंक बनाया। तैयार करने में 15 दिन का समय लगा। इसका वजन महज 1.5 किलोग्राम, बंकरों को तहस नहस कर सकता है, 300 मीटर की दूरी से ऑपरेट कर सकते हैं। टैंक को बनाने में 18,000 का खर्च, मिनी स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर, रेडियो कैमरे से लैस। ये नैनो रोबोट टैंक दुश्मनों पर गोलियां और गोले बरसाने में सक्षम होगा। इस नैनो टैंक का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम है। इसमें लगे गन को वायरलेस सिस्टम की मदद से जवान बगैर इंटरनेट के दूर से ही कंट्रोल कर सकेंगे, तरह दुश्मन की नजर में आए बगैर उन पर गोलीबारी कर सकेंगे। नैनो टैंक बनाने से मतलब ये है कि इसका जो वजन है वो 1.5 किलोग्राम है और ये दुश्मनों की नजर में आए बिना उनके टैंक को आसानी से नष्ट कर सकता है और इसको बनाने में लगभग 15 दिन का समय लगा है। इसमें जो मुख्यतः पार्ट लगे हुए हैं उसमें एक मोटर गियर मोटर है, आपका एक बैरल पाइप है जो मल्टी डायरेक्शनल घूमती है और उसमें आपका एक LCD स्क्रीन लगा हुआ है, एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है, एक रिमोट है। इसके पहले भी यहाँ के छात्र ऑटोमेटिक बैरल गन, सेंसर सिक्योरिटी जैकेट, फायर प्रूफ कैम जैसी कई चीजें बना चुके हैं। इस बार छात्रों ने जो नैनो टैंक तैयार किया वो आने वाले समय में हमारे देश के जवानों के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होगा।